अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी एंड सिंपल रेमेडी। इसके लिए हमें कुछ भी बाहर की चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें लेनी है एक सिंपल सा पोटैटो, उसे अच्छे से पील कर लेना है। उसके बाद उसे पीसेस में कट करके मिक्सी में हमें उसे ग्रेट कर लेना है। इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं कद्दूकस करके, लेकिन क्योंकि मैं आपको ईजी वे बता रही हूँ तो मिक्सी में करना बहुत ही ईजी वे है। तो अब हम इस पेस्ट को किसी पतले कपड़े या दुपट्टे की हेल्प से छानकर इसका जूस निकाल लेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पोटैटो जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे फेस से डल स्किन को रिमूव करता है। हमारे फेस से अगर डार्क स्पॉट आ चुके हैं, अगर आपका फेस काला हो चुका है धूप की वजह से, रेडनेस आ चुकी है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है और आपकी स्किन को फेयर भी करता है। बस आपको इसे अच्छे से यूज़ करना होगा। अगर आपको इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा चाहिए तो आप इसमें लेमन यूज़ कर सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन या फिर एक चम्मच लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छा और जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपको इसे ट्वाइस अ डे यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड में यूज़ करके दिखा दूँगी कि आपको इसको कैसे करके यूज़ करना है। आपको इसे यूज़ करने के लिए बस एक कॉटन पैड चाहिए या फिर आपको कोई टिश्यू चाहिए, उससे आप इसे जेंटली अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। इसे आप 2 times यूज़ कर सकते हैं और आप इसको इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एज अ आइस क्यूब या फिर कोई कंटेनर में। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे आइस क्यूब के ज़रिए ही स्टोर करें, क्योंकि ये पोटैटो जूस एक दिन के बाद काला हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी सिंपल एंड इजी रेमेडी हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया कि नहीं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।